इसके बारे में बताएं, क्या राय देंगे एस आई पी ओ पर? अच्छा आईपीओ दीप, बड़े लिस्टिंग गेन और लंबे समय दोनों के लिए इस आईपीओ में पैसा लगाने की राय है। देखिए सबसे पहली चीज तो कि ब्रांड बड़ी स्ट्रांग है, जो आपको मुझे और मतलब लगभग हर उम्र के लोगों को पसंद आने वाली चीजें, पिज्जा हट, केएफसी, कोस्टा कॉफी, टेको बेल्स, ये सारे वो बड़े क्यूएसआर हैं, जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है, जहाँ पर आप जाकर मॉल्स वगैरह में या हाईवेज पर या सिटीज में खाते हैं। नई जनरेशन के लिए तो यही सारी ब्रांड्स हैं जो उन्हें पसंद है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोर्टफोलियो है। पहली चीज, प्रमोटर्स को अच्छा खासा अनुभव है न सिर्फ एक ब्रांड बल्कि कई ब्रांड मैनेज करने का, और उस वजह से इनका बिजनेस डाइवर्सिफाइड भी है। बर्गर किंग में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक ब्रांड है, वेस्ट लाइफ में देखेंगे तो सिर्फ एक मैकडोनल्ड्स है, जुबिलेंट फूड में देखेंगे तो सिर्फ एक आपके लिए डोमिनोज है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए पिज्जा हट, कोस्टा कॉफी, टेको बेल्स, केएफसी, तो एक बड़ा पोर्टफोलियो है जो इसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करता है, रिस्क कम करता है, और इसी के चलते ग्रोथ पोटेंशियल जबरदस्त है। और मैं पिछले 3-4 सालों की ग्रोथ देख रहा था दीप, इंप्रेसिव है नंबर ऑफ स्टोर्स जिस तरह से खुल रहे हैं। कोविड के वक्त भी इन्होंने एक्सपांशन किया। एंकर बुक जो आई है बड़ी तगड़ी आती हुई दिखी है, अच्छे इन्वेस्टर्स एंकर बुक में आपको नजर आएंगे। ये सारे पॉजिटिव्स हैं। अगर नेगेटिव्स देखना चाहें तो कंपनी को अभी भी मुनाफा बनाना बाकी है, लेकिन अब आजकल कौन वो देखता है मुनाफा बनाया नहीं बनाया। जोमेटो ने हमको ये तो सिखा दिया कि अगर ब्रांड जबरदस्त है, मार्केट शेयर स्ट्रांग है और आगे फ्यूचर में प्रॉफिट बनने की, पैसे बनने की संभावना है, तो कंपनी बनाएगी तब बनाएगी, इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स तो अभी बना लें। और उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये एक ऐसा आईपीओ जो लिस्टिंग पर दुगुना होने की ताकत रखता है। फिर से सुन लीजिए, जोमेटो की तरह ये एक ऐसा आईपीओ जो लिस्टिंग पर दुगुना होने की ताकत रखता है। और जोमेटो के आईपीओ से और उसके रेस्पॉन्स से हमने ये लेसन लिया है, क्योंकि जोमेटो का आईपीओ जब आया था मैं थोड़ा सा हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए अप्लाई करने के लिए बात कर रहा था, क्योंकि एक अपनी तरह का पहला आईपीओ, उसका रेस्पॉन्स बाजार से देखना जरूरी था कि बाजार किस तरह से उसको देखता है, ताकि आप लगाएं पैसा लेकिन रिस्क के माइंडसेट के साथ लगाएं। यहां पर मेरा ये मानना है कि जो कुछ हमने ये फीडबैक देख लिया, जो कुछ एपेटाइट देख ली, जिस तरह का इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट देख लिया, उसको देखकर मुझे लगता है कि ये एक मस्ट अप्लाई आईपीओ है। यहां पर रेस्पॉन्स तगड़ा रहेगा, लिस्टिंग तगड़ी होगी और लॉन्ग टर्म में भी आपके लिए पैसे बनेंगे। तो देवयानी इंटरनेशनल क्लियर कट यस हां है इस आईपीओ के लिए, और देवयानी इंटरनेशनल का मैनेजमेंट आपसे थोड़ी देर